Now we have two numericals with us. This numerical sample problem 2 is given on page number 114, Lakhmeet Singh. And another sample problem 3 is from page number 115. Sorry. Sample problem 2 says, hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? अगर आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है तो ये बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1:8 से तुम्हें पता ही है, स्टेटमेंट ऐसे बनाना कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कॉम्बिनेशन के लिए जो अभी आपने सीखा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी जरूरत पड़ेगी? 8 × 3 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है? और 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वी हैव अनदर न्यूमेरिकल विद अस विच सेज, sample problem number 3, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of CO2 is produced. 3 gram of carbon when reacts with 8 gram of oxygen, then 11 gram of CO2 is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 ग्राम of oxygen? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कितना बनेगा। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4 भी नोट कर लीजिए। ओके, क्लास ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आप कार्बन और ऑक्सीजन की फर्स्ट उसमें रेशो देखें तो वो 3:8 है। अगर आप ध्यान से देखें, 3:8 आर आंसर विल बी गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ सिंस द कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन 3:8 बाय मास टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2। 3:8 में अगर वो कंबाइन करते हैं तो 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर सेम 11 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा अगर हम 3 ग्राम कार्बन को बर्न कर दें 50 ग्राम ऑक्सीजन में भी। आपने फर्स्ट वाले से सीखा था कि अगर 3:8 में है तो 11 ग्राम ऑफ CO2 हो रहा है, क्योंकि अब यहां पर 50 ग्राम बोला है, बाकी 42 ग्राम जो होगा वो अनअफेक्टेड रह जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ 3 ग्राम ऑफ कार्बन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है, और बाकी 50 - 8 यानी कि 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा विल रिमेन अनरिएक्टेड। और क्लास क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे बनेगा कितना? बनेगा वही 11 ग्राम ऑफ CO2। ये बाकी का 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो बेस होगा। ओके, क्लास वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 115, लखमीर से। अ 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन are present by analysis. I am writing it here. What is the mass of boron? In compound, it's 0.096 gram. Mass of compound is 0.24 gram. We have to find out percentage of boron. You know percentage, अगर आपके मार्क्स आते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो सेम हमें परसेंटेज बोरॉन की बता दी है कंपाउंड के अंदर,
बोरॉन है 0.096, टोटल कंपाउंड का मास है 0.24 200, ये पॉइंट एट आई 100 आएगा, ये पॉइंट एट आई 1000 आएगा, 24 फोर था तो 40% आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूँ। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. वैसे तो टोटल परसेंटेज आपको पता 100 होती है, और बोरॉन और ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है। अगर परसेंटेज बोरॉन की 40% आई है तो ऑक्सीजन की कितनी आएगी क्लास, बताइए। कम ऑन, क्लास 8 का क्वेश्चन है। तो भाई दो चीजें हैं एक कंपाउंड के अंदर, एक बोरॉन एक ऑक्सीजन। बोरॉन 40% है तो दूसरा कितना, 60%। वेरी सिंपल, ठीक है ना। 100 - 40, और परसेंटेज निकालनी कैसी है, फॉर्मूला यू नो, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, थैंक यू।